नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने जीता फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब। 11वीं बार फ्रेंच ओपन का टाइटल किया अपने नाम। डोमिनिक थिएम को 6-4, 6-3, 6-2 से दी मात। इंटरकॉन्टिनेंटल कप पर भारत का कब्जा। भारत ने केन्या को 2-0 से हराया। सर्वाधिक गोल कर मेसी के बराबर पहुंचे सुनील छेत्री। पेरू की टीम फीफा विश्व कप के लिए रूस पहुंची। 36 साल बाद फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रहा है पेरू। प्रशंसकों ने किया जोरदार स्वागत। 14 जून को फीफा विश्व कप उद्घाटन समारोह से गायब रह सकते हैं ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले। खराब स्वास्थ्य के कारण पेले का रूस दौरा हुआ रद्द। पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम की करेंगी अगुवाई। इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले जाएंगे एशियाई खेल। सिमरन सिंधी और रितिका ठाकर की भारतीय जोड़ी ने जीता मॉरिशस बैडमिंटन टूर्नामेंट। फाइनल मुकाबले में मालदीव की अमीनात नबीहा अब्दुल रजाक और फातिमात नबीहा को दी मात। एशियन जूनियर एथलेटिक्स टूर्नामेंट में अजीत और कमलराज ने जीता स्वर्ण। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ और तिहरी कूद स्पर्धा में जीता मेडल। भारत की झोली में गिरे अब तक 17 पदक। और फरारी के सेबिस्टियन विटल ने कनाडा ग्रां प्री रेस जीतने के साथ ही F1 सूची में पहला स्थान किया हासिल। मर्सिडीज के ड्राइवर लेविस हैमिल्टन को 5वां स्थान मिला। तो ये थी खेल जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।